एसोसिय होती हैं होती हैं पाकिस्तान में फेडरेशन और एसोसिएशन इतनी सपोर्टिव नहीं है उन, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स भी नाम हैं अपने नाम, नाम है। उनके बजट्स भी नहीं है यार और अपने फंड्स खुद जनरेट करने होते हैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है इतने जो है ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस है सारा नया थॉट प्रोसेस भी नहीं है अच्छा वन ऑफ द थिंग्स आई एक छोटी सी इसमें चीज़ है वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील इज़ कि क्योंकि इनकी जो ये जो फ्रेंचाइज़ीज़ और ये जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान में दिस वन थिंग दैट आई हैव सीन कि इन्होंने अपने अपनी कैटेगरी या जिन फॉर एग्जांपल फुटबॉल की हमारे पास एसोसिएशन है हुँ. सही है उसमें कोई भी ऐसा बड़ी पोजीशन में उस एसोसिएशन में बंदा वो नहीं है जो फुटबॉलर खुद हो पी सी भी है

उनको हमने एक दफ़ा इनवाइट किया अंडर वुमेन एम्पावरमेंट बैनर जो हम करते हैं फॉर ट्रेनिंग आई थिंक वी वी नीड टू 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 गेट बैक दैट लेटर ऑन विल तो आपकी बात को सेकेंड करते हुए जब वो आए हमारे पास पूरे कोई बीस बाईस टीम की लड़कियाँ थी सारी यंग पैशनेट एथलीट्स एंड वी वेन वी गिविंग दैम इंसाइट ऑन हाउ टू यू नो लाइक मेक देयर ट्रेनिंग साइंटिफिकली यू नो साइंस को इन्वॉल्व करें इन ट्रेनिंग में मजदूर ना बने एथलीट बने डिफरेंस बिटवीन अ मज़दूर एंड एन एथलीट ठीक है मजदूर के बाद ऑप्शन नहीं है आपके पास ऑप्शन है आप तरीके साइंटिफिक यहाँ पे मैं लोगों को साइंस को इन्वॉल्व करते हैं देखा रनिंग कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं बस चक्कर काट रहे हैं टाइम नहीं देख रहे कि हमने कितने टाइम में किया है और जो है कितने टाइम में हमें इसको बीट करना है स्प्रिंट का क्या मकसद है जॉग का क्या मकसद है रनिंग का क्या मकसद है बहुत देर 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 आर लॉट जो शूज तक में साइंस रनिंग के शूज़ कौन से हैं क्लाइंबिंग कौन से हैं यू नो वॉक के कौन से दिस दिस साइंस टू इट तो लेकिन लोगों को शूज का भी नहीं पता तो हम साइंस को इन्वॉल्व करें ना तो चीज़ें बदल जाएँ तो उन लड़कियों को जो हमने ट्रेन किया तो यार इतने मैसिव उनके लूप होल्स थे उनमें से सिर्फ उनकी जो एक कैप्टन थी शी वॉज द ओनली वन हु कुड एक्चुअली परफॉर्म एस इन एवरी सेगमेंट जो हमने वहाँ पर रखा था एंड द रेस्ट वर जस्ट लुकिंग एट हर एंड देवर प्री नोन देवर अ प्री नोन क्लब और uh, इट वॉज़ सो सैड एंड दे वेन आई मेड देम डू बेसिक बेसिक लेग्स वर्कआउट ना थोड़े से मैंने उनको स्क्वाड्स के फॉर्म बताए लेग प्रेस के अलग अलग पोजिशनिंग की मसल हिट के अलग अलग बताए ऐसे करने से सिर्फ आप बताओ इवन पुशप्स में भी ना अगर आपका हाथ सीधे से ऐसे थोड़ा सा इन्वर्टेड हो जाए या आउटवर्टेड हो जाए आपका मसल चेंज हो जाता है इसी तरह लेग प्रेस हो गई या कोई और वर्कआउट हो गया उसमें पोजिशनिंग थोड़ी सी अगर आप छः इंच नीचे ले आएंगे तो आपका अलग मसल हिट होगा उससे छः इंच नीचे ले आएंगे अलग मसल हिट होगा टांग का ही और ऊपर ले जाएंगे अलग इतनी साइंस है इसमें लेग प्रेस ये नहीं बट टांग रखी और बस वज़न उठाना शुरू हो गए तो उनको पता ही नहीं है फ़ुटबॉलर्स का तो काम ही सारा फोकस लेग्स पे होता है प्राइमरीली तो आई वाज सो डिसपॉइंटेड एंड ये पुरानी बात है काफ़ी लेकिन अभी आई नो अलॉड ऑफ देम दे हैव स्टॉप ट्रेनिंग उनका कोई कैरियर ही नहीं बना इसमें कोई उनको आगे नज़र ही नहीं आया हम आगे क्या करने वाले हैं तो जो है ना जब किसी एथलीट का यंग ग्रोइंग पैशनेट एथलीट का कैरियर इस वजह से एक वो छोड़ देता है ना खेल को अपने उससे किनारा कशी कर लेता है जस्ट बिकॉज द फैक्ट उसको आगे ब्लरनेस होती है उसको दिख ही नहीं रहा कि मैं आज अगस्त 2022 में यहाँ बैठ के ये बात कह रहा हूँ तो 2023 के अगस्त में मैं तला यहाँ पे आ जाऊँगा लेकिन मैं इतना ब्लर हूँ आई एम सो अनसर्टेन मैंने कल का नहीं पता मुझे कल मैंने क्या करना है क्या मैंने जिंदगी भर बस यही इसी क्लब के साथ खेलना है एक छोटे से टर्फ के ऊपर और एनी ट्रेनिंग मेथड्स ओल्ड स्कूल मेथड्स के साथ यू गेट बोर्ड रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू नीड अनऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग मेथड्स ठीक है अनकन्वेंशनल मेथड्स यू नीड टू एक्सप्लोर अदर जिस तरह अगर आप फुटबॉलर हैं हम एम वाले हैं ठीक है थीके? हम आपको पता है हम रगबी ड्रिल्स भी अडॉप्ट करते हैं हम सॉकर ड्रिल्स भी अडॉप्ट करते हैं हम जो है रनर ड्रिल्स भी अडॉप्ट करते हैं खेलते हैं ठीक है हम फुटबॉल खेलते हैं हम मारा पीटी खेलते हैं हम रनिंग कर चोर पकड़ हम साथ ही खेलते हैं अनकन्वेंशनल ठीक है तो हम ये सारे गेम्स खेलते हैं एक्टिवेटेड गेम है एक्टिव कर देते हैं आदमी को फिर उसमें आप उसको थोड़े से अपनी कमाल डाल डालें थोड़ा उसको अनकन्वेंशनल कर दें हम सब करते हैं हमारा अशर हो जाता है आपको पता है कितना इन्जॉय करते हैं हम लोग इसको तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ये फुकदान है ओल्ड स्कूल तरीक़ाकार है मंडे को जो करना है वो अगले मंडे को भी वही एक स्केड्यूल बना हुआ है आपने वही करने अगले दस साल तक सही लोग एथलीट फेड अप उनको वही वाली बात है अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते वो यार हमारे अंदर और कितना दम है तो ये एक चीज़ है थोड़ी सी जिससे मैं थोड़ा सा इतफ़ाक़ नहीं करता हूँ जिसको मैं अपने मेथड्स में भी यूज़ करता हूँ तो चीज़ें चेंज हो रही हैं बट स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं